अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शरद जमाई का नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मर्द, मैंने कहा इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी करो, गाली देंगे आप। मैंने इनको अगर हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी। ये कह रहा है कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद उन पर भी आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले? भारत की बात खुद बाइट थी आपकी, क्या बात आपकी तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले आपकी खुद बाइट थी। सुनिए सुनिए, हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हूरे की जन्नत मिलेगी, ये भारत हूरे की जन्नत है क्या? वो कह रहा आप कह रहे कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे, अपनी बात वो रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। एक बार बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा, एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा और आप कट्टरता के साथ नहीं है, ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है, पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा, तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है आप, कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए? मुझे लगता है अमीश ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने, वो भारत का अभिन्न जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए। इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने आपने एक महिला इसी बाइट में, एक महिला के लिए इसी कार्य इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी, तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया अमीश, बोलिए। मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है गाली नहीं, पच्चीस पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है, आप ठाकुर बनिया ब्राह्मण जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हें भाई अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है? नहीं, ये कट्टर जातियों में यार, ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना बटके चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, और कहो तो पल्ला फैला कर भीख मांगू यार, अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाट गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या तो पाकिस्तान से सांसद बनेंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते? आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई का, जवाब डॉक्टर जमाई का, मैंने सुनी बात, शुक्ला डॉक्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई। अगर मैं क्यों बोला ये, क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अगर इस देश में हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बता दूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब एक सेकंड, ऑल ऑडियोस डाउन, पीसीआर
ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर वन सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात सांप्रदायिकता यह है, सांप्रदायिकता यही है कि जब यह देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता यह है, इसके देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, यह है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। यहाँ पे राष्ट्रपति मुसलमान हुआ है, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते, अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, आप अखंड ऐसा अखंड भारत नहीं चाहते हैं, अखंड भारत नहीं चाहते जिसमें जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू आए। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना, आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते बताइए? मैं चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो, आप अखंड भारत चाहते हैं, देख कर नहीं पा रहे हैं। इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये सपना है कि भारत अखंड भारत बने। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूट गया, ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, साजिद, ये मेरी देशभक्ति है, ये बड़ी देशभक्ति दिख रही है इनकी, इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, आपने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेकर भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेकर भागेगा, आपने बोला 2012 में रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये ख्याल, आपने किसी धर्म गुरु के बारे में भी बोला? ये किसी का नाम नहीं लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने की? इजाजत किसने दी आपको बोलने की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजनीतिक बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त है जी। खयाली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तैयारी बता, प्रधानमंत्री हो जाएगा लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या 2024 में अखंड भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात, दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दें। है इनकी औकात, है इनकी औकात, है इनकी औकात, हम उसको भारत में ले आएंगे, अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत। डॉक्टर भाई आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोग, आप लोगों का सपना है सरकार बनाइए, देश पर कब्जा हो, सरकार बनाइए। औरंगजेब ने भारत को बनाया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम् वर्षम तद् भारती नाम भारती यत्र सन्ति तः। भारत था, है और रहेगा जी। ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके ओके, आपने पुलिस पूछ लिया सवाल, जिसको नहीं करेंगे जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की, लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था, और आपके आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हूरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हूरे की जन्नत है क्या? वो कह रहा 72 हूरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप मेरे, सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए अरे भैया, आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला, अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाता है, बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद उन पर भी आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों, हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले? भारत की बात थी आपकी, क्या बात, आपकी तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले, आपकी खुद बाइट थी।